गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट करूंगी वो कॉन्डो रिलेटेड है। तो मैं आपको अपना कॉन्डो टूर करवाऊंगी और मेरा रूम टूर करवाऊंगी कि हम लोग कैसे रहते हैं, क्या है नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लिफ्ट से निकलते ही मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। तो मैं अपने ब्लॉक से निकल चुकी हूँ। टोटल 7 ब्लॉक्स हैं और ये है स्विमिंग पूल एरिया। तो यहाँ पे टोटल 3 स्विमिंग पूल्स हैं। ये किड्स के हैं और हर एक स्विमिंग पूल में मेंशन है ये कितना डीप है। लाइक ये 0.5 मीटर और ये दोनों पूल ही 1.4 मीटर डीप हैं। तो टोटल डाउन में 3 स्विमिंग पूल्स हैं। और ये मेरा ब्लॉक है, सेम ऐसा ही ब्लॉक, 7 ऐसे ब्लॉक्स हैं। 18th फ्लोर है और टोटल 600 यूनिट्स हैं और हर जगह मेंशन है। तो यहाँ पे ऐसा मैप 2-3 जगह पे है, टेनिस कोर्ट, क्लब हाउस, फिटनेस, प्ले लैंड, हर्ब गार्डन, वाटर कोर्ट, क्या क्या है सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे सनबाथ के लिए भी ऑप्शन है, चेयर्स हैं और जो नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी मेंशन है पूल के। गार्डन एरिया ये हमेशा मेंटेनेंस इनका हमेशा चलता रहता है, क्लीनिंग चलता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो सामने क्लीनिंग चल रहा है, तो एवरी डे ये क्लीनिंग चलता रहता है, कटिंग चल रहा है। अभी मैं आ गई हूँ आपका बारबेक्यू सेक्शन में। तो टोटल 5 बारबेक्यू सेक्शन है, तो मैं एक आपको दिखा देती हूँ। ऐसा टोटल 5 बारबेक्यू सेक्शन है, तो फैमिली पार्टी गैदरिंग के लिए ये है। तो हम लोग कभी कभी पार्टीज़ करते हैं या फैमिली गैदरिंग करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, लाइक 10 AM to 3 PM मंडे टू सैटरडे, एंड सेकेंड सेशन जो होता है 5 PM to 10 PM मंडे टू सैटरडे। और पार्टी होने के बाद इसको नीट एंड क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी पोस्ट है उनका है। और नो स्मोकिंग एरिया है, तो अभी इसको कवर करके रखा है। CCTVs हर जगह लगे हुए हैं। तो ऐसा बारबेक्यू टोटल 5 हैं पार्टी के लिए। यहाँ पे रेस्ट रूम है, ये गार्डन एरिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा क्लब हाउस। नो स्मोकिंग एरिया है ये। ऐसे छोटे छोटे फाउंटेन बहुत सारे हैं। तो अभी ये बेसमेंट है, अभी मैं बेसमेंट पे आ गई हूँ। ये बेसमेंट है और यहाँ पे फ्रूट जूस, आइसक्रीम, मील्स, ऐसे वेंडिंग मशीन्स, टोटल 7 वेंडिंग मशीन्स हैं। तो किसी को भी अगर खाना है तो पेमेंट करके खा सकता है, कोई गेस्ट आता है तो उनको जूस दे सकते हैं। और ये एवरीडे क्लीनिंग होता है, एवरीडे चेंज होते हैं फ्रूट्स, एवरीडे मेंटेनेंस होता है। ये ऑफिस है। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे क्लब हाउस। तो मैं आ गई हूँ क्लब हाउस में।
यहाँ पे भी दो स्विमिंग पूल हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं है ये वाला, ये बच्चों लोगों के लिए, ये 0.45 मीटर डीप है। ये वाला 1.2 मीटर डीप है। ये भी नो स्मोकिंग एरिया है। यहाँ जकूजीज है, स्पा, सब चीज़ का ऑप्शन है। अभी क्लीनिंग चल रहा है। यहाँ पे रीडिंग रूम है लाइक दिस, तो अगर पेपर पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है तो कार्ड एक्सेस करके जा सकते हैं अंदर। ये है जिम एरिया। दिखाती है जिम एरिया, अभी कोई है नहीं। जब भी आना है कार्ड एक्सेस करके, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइमिंग के अंदर आना है। लाइक रात को 11 बजे तक ही ओपन रहता है, अब मॉर्निंग 6 to 11 तक ओपन रहता है। ये बारबेक्यू सेक्शन है फिर से। घर के पास ही स्टेडियम है जिसका व्यू ऐसा है कुछ। तो वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए बहुत ऑप्शन है घर के पास, उसका भी मैं टूर आपको रिकॉर्डिंग करवाऊंगी। ये है फंक्शन रूम, टीवी रूम के जैसा ही है। तो इसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। 9 to 10 PM तक ही ओपन रहता है। ये अभी एक्सेस नहीं हो रहा है मेरा कार्ड, नहीं तो मैं आपको अंदर कभी दिखाती। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिसको हम लोग फीड भी करवा सकते हैं। तो उनका खाना मिलता है शॉप से, वो लेकर उनको हम लोग कभी कभी फीड भी करवा देते हैं। यहाँ बैठने का भी ऑप्शन है, चेयर्स वेयर सब है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्लेइंग एरिया बच्चों लोगों का, तो वहाँ पे चलते हैं, वो दिखाती हूँ मैं। ऊपर से टेनिस कोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, अगर टेनिस खेलना है तो यहाँ आके हम लोग कभी कभी खेलते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ है। तो यहाँ से एक एंट्री गेट है, टोटल 3 एंट्री गेट्स हैं, तो जिसमें से एक ये है। तो यहाँ से व्हीकल्स का आना जाना रहता है। ये बेसमेंट है, चेयर यहाँ पे है। इसका व्यू एक बार मैं आपको दिखाती हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे कौन सा ब्लॉक किस तरफ है, क्या क्या है, बारबेक्यू, क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट किस एरिया में, वो यहाँ पे मेंशन है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्लेइंग एरिया, तो वहाँ चलते हैं। ऐसे फाउंटेन्स हर जगह पे लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। सो ये है सिटिंग एरिया और ये है प्लेइंग एरिया। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है यहाँ पे फिश।
ऑफ टर्टल। तो अभी है नहीं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी होंगी ना सब निकल आएंगे। सोचते हैं कि उनको फीडिंग के लिए कुछ लाए हैं लोग। वो है टर्टल, वहाँ पे भी कुछ है। तो ये है बेसिकली प्लेइंग एरिया। मॉर्निंग के टाइम आके हम लोग कभी कभी बैठ जाते हैं, काशी को अगर खेलना है तो खेल लेती है। तो उधर सिटिंग एरिया, तो फ्रेंड्स लोग के साथ बात करने के लिए भी अच्छा है। और ये है टेनिस कोर्ट जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया। यहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब वो है कार पार्किंग एरिया जो मैंने आपको दिखाया था बेसमेंट। घर के सामने से ही ट्रेन का आना जाना लगा हुआ रहता है। ये रोड एक एंट्रेंस इधर से भी है, तो टोटल 3 एंट्रेंस है। यहाँ पे हम लोग के कॉन्डो में बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जो पेट एनिमल्स रखते हैं। तो पेट एनिमल्स रखने से क्या होता है ना कि जो भी पॉटी या टॉयलेट जो भी करते हैं उनको आप कॉन्डो के अंदर नहीं करवा सकते हो, कॉन्डो के बाहर जाके करवाना पड़ता है और उसको क्लीन भी खुद ही करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्लीज़ डू नॉट लेट योर डॉग पू और पी एट दिस कॉमन एरिया में। अगर अंदर करते हैं तो $200 फाइन लग सकता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हर जगह पे, इसको फॉलो करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं देखिए कितने सुंदर हैं, एकदम खिले खिले रहते हैं। ऑर्किड वहाँ पे है वाइट कलर का, देखने से लगता नहीं है कि वो रियल है बट एक्चुअली रियल है। यहाँ पे एक और ऑर्किड है, ये मैं सामने से एटलीस्ट दिखा सकती हूँ। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैं अपने ब्लॉक में चली आई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी अपने रूम में, आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा यूनिट, यहाँ पे शूज़ हम लोग रखते हैं। तो रूम के घुसते ही हॉल है। तो ये है हॉल लाइक दिस। काशवी के कुछ टॉयज़ हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत ही हैं, थोड़े बहुत मैंने हटा के रखा है जो छोटे छोटे टॉयज़ हैं। तो कुछ इंडोनेशिया बाली हम लोग जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो लिमिटेड टॉय लिमिटेड एडिशंस के। तो ये जैसे बाली का है, ये हम्टी डम्टी हम लोगों ने लिया है। और टिन टिन शॉप से भी हम लोगों ने कुछ टिन टिन के एडिशंस लिमिटेड एडिशंस के कुछ टॉयज़ लिए हैं। यहाँ पे 2 हैं बट बॉक्स में हैं, और भी हैं। और ये जो आप सांता देख रहे हो ना, या ये सिंगापुरी सांता है, ये जो ड्रेप प्रिंट है ना, ये सिंगापुर का प्रिंट है। तो ये 4 साल पहले मैंने लिया था। कुछ टॉयज है और यहाँ पे स्क्रीन है, लैपटॉप। यहाँ पे हम लोग डिनर भी कर लेते हैं, हस्बैंड का कभी कभी वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, तो यहीं पे बैठ के वो कर लेते हैं। और इधर है किचन, छोटा सा किचन है। और इधर है आपका यूटिलिटी एरिया है, और किचन के बाहर का भी कुछ ऐसा है। ये बाहर एंट्रेंस का रास्ता है।
यहाँ से हम लोग अपने नेबर को हाय हेलो कर लेते हैं कोई बातचीत करना होता है ना तो इधर से ही हम लोग कर लेते हैं। और ये वॉशिंग मशीन हुड, यहाँ पे कुछ मसाले वसाले रखने के हैं लाइक दिस, ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली खाली मैंने रखा है क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 2 BHK के लिए। तो ये है बालकनी एरिया, इधर से व्यू बहुत अच्छा है, सुबह खड़े हो जाते हैं हम लोग धूप के लिए, धूप बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। तो मेट्रो ट्रेन का जो है ये आना जाना हमेशा आता जाता रहता है। तो जब काशवी छोटी थी ना तो मैं वो ट्रेन दिखा दिखा कर उसको खिलाती थी, और वहाँ पे भी पहले जंगल था बट अभी जंगल सब हटा के अभी कुछ बन रहा है वहाँ पे। वो है जो ग्रीन बस देख रहे हैं वो है पब्लिक बस, ये सिंगल है, ऐसे ही डबल डेकर बस भी है यहाँ पे। तो ये है बालकनी, काशवी का साइकिल है, ये वॉशरूम, ये है बेडरूम, यहाँ पे भी मोस्टली काशवी के ही टॉयज हैं। और बेडरूम से भी सेम ऐसा ही व्यू है बालकनी के साथ अटैच, जैसे वो ट्रेन आ रहा है। सो ये है बेडरूम और ये है कबर्ड। 1 BHK ना दो लोगों के लिए सही है। तो बस यही है मेरा रूम टूर, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना, और अगर कुछ खराब लगा होगा तो भी आप लोग कमेंट्स करना। तो बाय बाय, टेक केयर।